राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ हैं आज मशहूर एक्टर रघुवीर यादव। रघुवीर यादव हमारे दौर के एक अद्भुत अभिनेता हैं। अरे तुम्हारे माई बाबू जी हमारा गाना टाना बंद कर दिए, नहीं तो आज हम लता मंगेशकर होते। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित रघुवीर यादव को दूरदर्शन के धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने के लिए आज भी याद किया जाता है। तो मिस्टर नरोदा को बोलो कि जापानी येन का भाव बढ़ रहा है तो अमेरिकी डॉलर का गिर भी रहा है, हम अपना माल अमेरिका से मंगा लेंगे। छप्पन वर्षीय रघुवीर यादव ने फिल्म मैसी साहब में अपने अभिनय की जो छाप छोड़ी उसे देखकर लोग आज भी दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। तो क्या करना कि जिसको मिर्गी आए मेरा ताबीज ले जाना, और क्या करना कि मंगलवार का रोज हो एक गिलास में गौ माता का दूध लेना, मेरे ताबीज को 7 बार उसमें डुबो देना और मिर्गी वाले को पिला देना। मिर्गी का कीड़ा अपना घर भूलेगा, मिर्गी वाला अच्छा हो जाए, मेरा नाम ना लेना, भगवान के नाम 2 अगरबत्ती जला देना। सलाम बॉम्बे, लगान और वाटर में अपनी खास अदाकारी से उन्होंने किरदारों में नई जान फूंक दी। वेयर इज योर मम्मी डैडी? न्यूयॉर्क। वन पफ टेकिंग फ्लाइंग एयर इंडिया। हाउ मच? 250। ना, टू मच। टू मच? नो मच। नाउ, 250। नाउ 250। ओके, फॉर यू बिग डॉग, ई स्पेशल प्राइस 150। व्हाई नॉट? आई गिव अ लिटिल बिट टू योर ब्रदर, राइट? थैंक यू। ऑल राइट, सी। दमवर दम। गुफ्तगू के पहले हिस्से में रघुवीर यादव हमें बता चुके हैं कि उन्होंने अभिनय की बारीकियां एक पारसी थिएटर कंपनी में सीखी जहां वो घर से भागकर पहुंच गए थे। अरे गोली के बच्चे ससुरे दाई के तोप के मुंह में ना ठूस दिए तो हमारा भूरा नाम नहीं। कठपुतलियां नचाते और गांव-गांव में नाटक करते हुए रघुवीर यादव ने जिंदगी की लंबी जद्दोजहद के बीच इंसानी जज्बात को नजदीक से समझा। अपने शुरुआती रंग कर्म के दिनों की यादें उन्हें हूबहू याद हैं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को संवारा और खरा बनाया। भुखमरी ज्यादा वहाँ छाई रहती थी, तो 2.5 रुपए तो रोज के वो कहने को हुआ करते थे, कभी 1.5 रुपए मिल गए, कभी 1 रुपए मिल गया, कभी 1.25 रुपए मिल गए। तो हम ये करते थे कि जैसे 1.5 रुपए मिल गया तो 12 आने के टमाटर ले लिए, 12 आने का आटा लिया, टमाटर की कुछ सब्जी जैसी बनाई और रोटी बना के आधी खा ली और आधी पेड़ पर रख देते थे, वही पेड़ के ऊपर। वहाँ कुछ जुआरी भी थे हुआ करते थे, तो वो जुआ खेल के पैसे हार देते थे, पेड़ की रोटी निकाल के वो लोग खा लेते थे, शाम को फिर भूखा मरना पड़ता था। रघुवीर यादव ने 6 साल तक एक घुमंतू नाटक कंपनी के साथ काम किया जहां 2.5 रुपए रोज पर उन्हें गाने की नौकरी मिली थी। गाने के शौक से नाटकों और फिल्मों में पहुंचे रघुवीर यादव ने आधुनिक थिएटर के पितामह इब्राहिम अलकाजी से नाटक के गुर सीखे हैं। संगीत उनका पैशन है और तरह तरह के वाद्य यंत्र बनाने और बजाने से आती है उनकी जिंदगी में कुछ और ताजगी। बहुत बहुत स्वागत है रघुवीर जी इस प्रोग्राम में। रघु भाई, NSD से जब आपने ये पढ़ाई पूरी कर ली तो लंबा समय आपने NSD की रेपर्टरी में काम किया। जी जी। नाटकों से होते हुए, क्योंकि नाटकों से तो आपका सिलसिला बहुत पुराना है, जैसा कि आपने कहा कि जब आप स्कूल छोड़कर भागे जी, से लेकर के एक स्कूल में आकर दाखिल हुए और करीब करीब एक साइकिल पूरा हुआ, इसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद मैं रेपर्टरी में ही था तो मुझे जो मेरी पहली फिल्म है मैसी साहब, तो वो मुझे मिली। उससे पहले
अलकाई साहब ने हमें FTII भेजा था फिल्मों की ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ बहुत सारे डायरेक्टर आए थे, वहाँ सईद मिर्ज़ा और मणि कौल, ये सारे लोग वहाँ घूमते रहते थे। तो इन्होंने की कोशिश किया, बस NSD पास करके तुम यहीं आ जाओ बम्बई, क्यों हमने वहाँ एक प्ले किया। तो प्ले देख के वो सईद मिर्ज़ा खास तौर पे ये कह रहे थे कि तुम्हें रहने मैंने कि हम संभाल लेंगे, लेकिन आ जाओ, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और उसमें तुम भी रूल करना। लेकिन अलकाजी साहब ने ऐसा नशा पैदा कर दिया था ये थिएटर का, तो मैंने तो मना कर दिया कि भैया ये फिल्म विल्म मैं नहीं करने वाला, मैं थिएटर ही करूँगा। मैंने हाँ हाँ ऐसी बोल दिया कि हाँ ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे, अभी तो वहाँ जाऊँगा दिल्ली, उसके बाद सोचूंगा। तो वहाँ गया, मैंने रेपर्टरी ज्वाइन कर ली और सच कह रहा हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूँ। मैं बिल्कुल ये लग रहा था कि थिएटर ही, तमाम उम्र थिएटर ही करूँ, इतना मज़ा और बिल्कुल डूबे हुए रहने को मन करता था कि बस इसी में डूबे रहो, क्योंकि सारा कुछ सीखने मिल रहा था मुझे, म्यूज़िक भी और थिएटर भी और ज़िंदगी के और भी चीज़ें थी, डिज़ाइनिंग, क्यों अलकाजी साहब ने मुझे एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन एक्टिंग में नहीं करवाए, स्टेज क्राफ्ट दे रखी थी। अच्छा। तो सारी डिज़ाइनिंग तो मैं कारपेंटरी और ये सब में मुझे बहुत मज़ा आ रहा, तो ये सब मैं इसी में डूबा रहना चाहता था। तो ये फिल्म आ गई, तो मैं सोच भी रहा था कि अगर कोई फिल्म मिलेगी तो ऐसा कोई रोल होगा जो कि करने लायक, तभी करूँगा। ऐसी छुटपुट फिल्म के लिए मैं ऐसे फिल्म नहीं करूँगा कि चलो ये फिल्म में काम करना तो कर लिया जाए। और ज़्यादातर लोग कॉमेडियन बनाने के चक्कर में रहते, तो उससे मैं बहुत भागता था। खैर, ये मैसी साहब जब फिल्म स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ फिल्म करना चाहिए। तो प्रदीप कृष्ण उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने बात की और फिल्म का स्क्रिप्ट मुझे दिया, मैंने पढ़ा तो मेरा तो बिल्कुल वो हो गया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन रेपर्टरी नहीं छोड़ूंगा, यही शर्त मेरी थी। तो खैर यहाँ NFD से उन्होंने परमिशन लिया कि 2 महीने पोस्टपोन करना है क्योंकि उसका रेपर्टरी का प्रॉब्लम है कुछ ऐसा। तो खैर जो पोस्टपोन की और मुझे वो फिल्म मिल गई और मैंने की वो फिल्म, और पहली फिल्म मुझे 2 इंटरनेशनल अवार्ड जब मिल गए। सब आई एम थिंकिंग One small plan, sir. What? Maybe यहाँ वहाँ से सब, from here there से थोड़ा पैसा borrow कर लेंगे सब। From where, Massey? नहीं सर, treasury में पैसों की कमी नहीं है सर, shortage तो सिर्फ public works account में सर। तो अभी कुछ account से पैसा borrow कर लेंगे सर, कुछ uniform से, कुछ furniture से, थोड़ा बहुत office overhead से सब। Come on, Massey, don't be a fool. You know damn well these accounts are audited. हाँ तो ठीक है साहब, ऑडिट के लिए वाउचर ही तो चाहिए साहब, तो वाउचर हम बना लेंगे साहब, फर्नीचर, यूनिफॉर्म, एक्सेट्रा, गार्डन, ओवरहेड, और पैसा रोड पे लगा देंगे साहब। खैर जी, वो रिलीज हुई फिल्म और अवार्ड मिल गए और वो थोड़ी सी पॉपुलर हो गई, तो फिर यहाँ से कॉल आने शुरू हो गए। और तो बहुत सारी फिल्मों को पहले मैं मना किया क्योंकि बस वही कॉमेडियन के चक्कर में, तो मैं पढ़ना नहीं चाहता तो मैं मना करता रहा। फिर धीरे धीरे, क्योंकि फिर वो थिएटर की भी, अलकाजी साहब के जाने के बाद थिएटर की बहुत ही बदतर हालत वहाँ हो गई थी, तो फिर वो पॉलिटिक्स वहाँ चलने लग गई, तो वो सब में फिर मैं नहीं फंसना चाहता था। तो वहाँ से फिर मैं छोड़ के फिर यहाँ बॉम्बे आ गया और यहाँ फिर बस वही है कि अपनी तरह की, जो मैं जिस तरह की फिल्में करना चाहता हूँ वही करता हूँ, और जिसमें लगता है कि करने लायक कुछ नहीं तो फिर नहीं करता। देखिए, फिल्मों में एक्टिंग तो एक पहलू है जी, लेकिन चूंकि म्यूज़िक फिल्म हो या चाहे नाटक जी, म्यूज़िक आपका शायद पहला प्यार है। जैसा कि खुद आपने कहा कि जब आपने कोई प्रोफेशनल करियर, अगर उस पारसी थिएटर को आपका पहला ब्रेक अगर कहें, तो आपको तो गाने से ही शुरू आपने किया। तो जो फिल्मों के गाने हैं और जिस तरह का गाना या म्यूजिक आप सोचते हैं, दोनों के बीच में कोई आपको लगता है कि कुछ भेद है, यानी कि लोगों के दिलों तक पहुंचने में ये जो म्यूजिक है, जो आज का जो म्यूजिक, जो म्यूजिक केटर किया जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ है? काफ़ी, हाँ गड़बड़ क्या, बहुत फ़र्क है। और क्या है कि 60s के आसपास का जो म्यूज़िक था वो उसका में और अब में तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए गाने के ऑफर्स भी आते रहते हैं, कुछ फिल्मों में मैंने गाया भी है और गाता रहता हूँ मैं, लेकिन बहुत बचा के अपने आप को कि जो अच्छा लगता वही गा लेता हूँ, नहीं तो ऐसा लगता कि बस अपने घर में ही अपना ही गाना खुद सुनते रहो या और भी जो बड़ा है अपना म्यूज़िक खुद ही सुनते रहो, इस तरफ मत जाओ क्योंकि इस तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो गाने 1-2 दिन के ही होते हैं कि सिर्फ बजते हैं, वो सुनाई किसी को नहीं देते। तो इस तरह के म्यूज़िक में भी नहीं उलझना चाहता मैं।
तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। उस तरह का म्यूजिक नहीं रहा, उस तरह का थिएटर भी नहीं रहा, तो फिर अपनी तरीके से मैं अपने जीवन को निकालने का, आजकल मैं कुछ वो फ्लूट लूट पे कुछ काम कर रहा हूँ। उस पर बात अभी करेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं रघुवीर यादव के साथ। आज के खलीफे वो नहीं है, आज के खलीफे बस अगर आ गए हैं कैमरे में, एक बार आ गए हैं या एक बार कुछ शुरू कर दिया तो वो पहले खलीफे बन जाते हैं, बनने से पहले। क्या माल है। हेलो स्वीट हार्ट डार्लिंग, हाउ आर यू? बदतमीजी करती है, पुलिस को बताऊंगा। इधर आ। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं जाने माने एक्टर रघुवीर यादव। रघु भाई, कोई एक गाना जी जो आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत पास है जी, और जिसे आप गाते हुए थकते नहीं है हमारे लिए जी। एक प्ले था, इससे मेरी दिल्ली की भी यादें जुड़ी रहती हैं, छोटे सैयद बड़े सैयद। तो उसमें एक जगह एक गाना था, वो दिल्ली के नाम से गाना है, वो अभी भी जब भी एनएसडी के लोग जुड़ते हैं तो हमेशा बस इसी गाने को याद कर लेते हैं और अपनी दिल्ली को याद कर लेते हैं। वो मैं जी आपको सुना देता हूँ। महताबो आफताब है दिल्ली, मेरी दिल्ली टूटा दिल्ली मेरी दिल्ली, महताब आफताब है दिल्ली मेरी। जख्मों की तरह आए गए कितने गमखार, ठहरी हुई सी चीख दिल्ली मेरी। बताइए कि ये जो मनोरंजन की जो दुनिया है, जो अब आपके लिए रोजी रोटी का जरिया है, इसको करते हुए जिंदगी में कहीं कुछ छूटता जा रहा है, कुछ छूट गया पीछे का कुछ एहसास सा बना रहता है? जबलपुर का वो गांव और वो एंटरटेनमेंट का बिल्कुल एक आज तो रीडिफाइंड पूरा सीन है,
क्या कुछ ऐसा है जो आप मिस कर रहे होंगे और उस कमी को आप कुछ दूसरे ऑक्यूपेशन में कभी अपने वर्कशॉप में आप कुछ इंस्ट्रूमेंट ईजाद करते हुए कहीं कोई कड़ी छूट रही है क्या? एक्चुअली उस तरह की इमोशंस जो पहले हुआ करते थे वो रिश्तों में भी नहीं रहे, और अभी जिस तरह से ज़माना आगे बढ़ रहा है, ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, तो वो ऐसा लगता कि वो सोल ख़त्म होते जा रहा, मरते चला जा रहा। तो इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ है इन सारी चीज़ों की कि क्यों हम उन चीज़ों को नहीं टटोल के रख रहे हैं, उनको ढूंढ के, और उनको क्यों उन पर काम नहीं कर रहे हैं। आपने अपने पारसी थिएटर के ज़माने के खलीफाओं को याद करते हुए उनका जो खौफ और उनकी जो यादें आज भी आपके जहन पर बनी हुई हैं, एक तरफ वो खलीफा और फिर धीरे धीरे आप जो मेन स्ट्रीम सिनेमा के आज के खलीफा। पहले खलीफा हुनरमंद हुआ करते थे, वाकई वो खलीफा कहने लायक उस्ताद हुआ करते थे, वो चीज़ों को पूरे तजुर्बे से सीख के वहाँ तक पहुँचते थे। आज के खलीफे वो नहीं हैं, आज के खलीफे बस अगर आ गए हैं कैमरे में, एक बार आ गए हैं या एक बार कुछ शुरू कर दिया तो वो पहले खलीफे बन जाते हैं बनने से पहले। तो ये बहुत बहुत दूरी है, बहुत फ़र्क है वो पहले खलीफा और इन खलीफाओं में। ये पता नहीं किस बात से खलीफा बने हुए हैं कि फिल्म को अच्छा चला लिया या किसी तरह इधर इधर उधर जुगाड़ करके और करके अगर उनकी फिल्म आगे निकल जाए, उनका काम निकल गया आगे, रिव्यू से ही तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए दे के रिव्यू छपवा लेते हैं कुछ भी करके, और जिस तरह एक घटिया काम को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं। बड़ा फ़र्क है इन खलीफों में, खलीफा थोड़ी हैं ये, तो बस पेशे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने कहा कि मैसी साहब के लिए आपको 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले और मैसी साहब की पहली फिल्म थी, अभी तक की हुई फिल्मों में से मैसी साहब के अलावा और कौन सी फिल्म होगी जिसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलता हो? फिर मैं अभी भूल चुका हूँ, सेटिस्फेक्शन की छोड़िए, जब भी अपनी वो फिल्म देखता हूँ बहुत सारी कमियाँ नज़र आती हैं। मैसी साहब में कोई भी फिल्म? जी 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 हाँ, तो सलाम बॉम्बे उसके बाद मैंने की, तो फिल्म ठीक थी, काफ़ी चली भी। कुछ पैसा है आज? मुकद्दर टाफ है साला। नहीं नहीं क्या साला, बैंक में जमा करता है, इतना बड़ा सेट छोटा सा कर्जा नहीं दे सकता? मैं सेट नहीं हूँ, मेरे को 500 रुपया जमा करने का, चाचा ने पैसा कट कर दिया, वो नई लड़की है ना उसने ग्लास फोड़ दी। छोकरी कांटा फिट हो गया क्या किसी से? नहीं यार। उसका उम्र क्या है? 15 13 16 साल? क्या चिकना नाम है रे। कुछ ही फिल्में हैं जो लगा कि हाँ इनमें काम करना चाहिए तो किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन का सवाल है वो तो शायद इस जन्म में मुश्किल ही लगता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि आखिर तक मरने से पहले किसी एक फिल्म में मुझे ज़रा मिल जाए सेटिस्फेक्शन, तो मैं ज़रा इत्मीनान से मर सकूं, तो बस वही तलाश रहती है, और हमेशा मैं परतों को उधेड़ते ही रहता हूं कि जो करने को मिला है, जो किया जा रहा है, उसको कैसे किया जाए जो मुझे भी उन चीज़ों की कमियां ना लगे, कि कुछ भी कमी ना रह जाए। तो बड़ा मुश्किल है ये, और बस चाहता तो हूं कि ये मुश्किल किसी तरह हल हो और कोई एक ज़िंदगी में एक काम तो ऐसा कर जाऊँ जिसमें मुझे मज़ा आ जाए। परतों को उधेड़ने का ये सिलसिला बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में अभी और जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं रघुवीर यादव के साथ। लख्त जिगर खाने को और खून जिगर पीने को, ये गिजा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में, हमारे साथ हैं आज रघुवीर यादव। तो रघु भाई, ये जो दोस्तों की यारों की जो महफिलें होती हैं उनमें काफ़ी आप आकर्षण का केंद्र रहते हैं, वो कौन सी ऐसी ऐसे गाने या ऐसी कुछ आइटम कह लीजिए या कुछ इम्प्रोवाइजेशन आपने कुछ ऐसे बनाए हुए हैं? एक्चुअली मैं सब कभी कभी मिक्स करके कुछ गा देता था, पारसी थिएटर का, कुछ दिल्ली में थिएटर किया, कुछ लखनऊ में किया, कुछ सुना हुआ, कुछ पढ़ा हुआ, सब मिला के इम्प्रोवाइज करके ऐसे गा लिया करता जी, तो वही मैं सुना देता हूँ। आ
कब्र मजनू पर किसी ने आके पूछा ये सुखन कि याद लैला भी बाकी है तुझे वो खस्तन, तो फाड़ कर मुंह से कफन बोला मजनू एकदम कि दीवाना 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 दीवाना। लैला लैला पुकारू मैं बन में और मेरी लैला बसी ही मोरे मन में, लख्त जिगर खाने को और खून जिगर पीने को ये गिजा मिलती है लैला तेरे दीवाने को, और शहर भर में लैला ने ये मना दी कर दी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो सुनते हैं कि लैला के घर का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा, तो एक दिन मजनू भी कासा हाथ ले जा पुकारा, दर पे कुछ लिलाह दे तो आई लैला और सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया और लेके दे मारा जमी पे एक बार, रक्स करता हुआ मजनू हुआ बेख्तियार और आंख में आंसू थे दिल था बेकरार, कह रहा था यूं जुनू में बार बार के दीवाना 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 दीवाना। ऐ मस्तरू तुझे तेरी नखत की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी वहशत की कसम है, लिल्ला ठहर दर्द मोहब्बत की कसम है, तू जिसको चाहती है उसी की कसम सबा, ए गमजदा पुरास का पैगाम लेती जा, लेक धज्जी तो लेती जा मेरे चाके गिरेबां की, और हवा खाता हुआ होगा मेरा गुलरू गुलिस्तां की, अदब से सर झुकाना चूमना लेन जाना की, और मुसीबत कह सुनाना समरे दर्द बियाबा की, अगर तैयार हो तो साथ ले आना जुबान बन कर मेरी, वरना दरे लैला पे चिल्लाना के दीवाना 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 दीवाना। ढल चुकी थी धूप अब था वक्त शाम, एक जगह पर बैठकर वो तिश्ना काम, नाम लैला यूं जमीन पे लिखने लगा और फिर सजदा उसे करने लगा, नागहां एक शख्स आया और उसने यूं कहा कि क्या है तेरा नाम वो मर्दे खुदा, तो बोला मजनू, ए जाहिद तू मुझे जाना नहीं, आशिके लैला हूं पहचाना नहीं, क्योंकि तुम जिसे कहते हो लैला वो नहीं है लैला, वो है लाइला। लाइला बहुत शुक्रिया रघु भाई, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी सारी यादें हमारे लिए ताज़ा की, एक बहुत ही दिलकश गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने एक्टर रघुवीर यादव। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।